दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 100 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मुलाव को देखते हैं जो हुआ युहाओ से कह रहे होते हैं, तुम्हें जो डेस्टिनी की पावर मिली है इसका मतलब ये है कि डेस्टिनी ने तुम्हें चूज किया है, और ना सिर्फ फ्यूचर में तुम्हें श्रेक एकेडमी को प्रोटेक्ट और टिंगसेक्ट को रिवाइव करने की जरूरत होगी, बल्कि इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि तुम ही कॉन्टिनेंट की स्थिरता और शांति को सुनिश्चित करने के लिए तुम ही जिम्मेदार होगे। और इन बातों को ध्यान में रखना और अपना बेस्ट देना और अपने टीचर्स के लेसन के भी काबिल बनना। और फिर हुआ युहाओ पोइटन पवेलियन से चला जाता है भारी कदमों के साथ, और इसे साफ साफ महसूस हो रहा होता है इसके टीचर ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे। और युहाओ जानता कि इसके टीचर खुश हैं और वो अपनी पूरी मेहनत करेंगे इसकी खुद की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में। और युहाओ के जाने के बाद मुलाव कहते हैं, बच्चे वैसे तो ये जिम्मेदारी तुम पर काफी जल्दी आ गई है, लेकिन टीचर के पास भी ज्यादा दिन नहीं रह गए, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। और फिर हमें शेरक अकेडमी के स्पिरिट गाइडेंस डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआ युहाओ और कैताओ फैनयू के पास आके अपने लौट के आने की खबर देता है। और हुआ युहाओ के आते ही फैनयू कहते हैं, अभी हमारे पास काफी सारा काम है, इसलिए हमारे साथ जल्दी चलो। और आज से मुलाव का प्लान शुरू होता है। तभी हम फैनयू को काफी सीरियस देखते हैं, जो कहता है कि लिमिट सोल्जर का जो गोल है वो एक ऐसी यूनिट को कल्टीवेट करने का है जो कि इतनी तो स्ट्रांग हो जो कि आराम से जन के हालात बदल सके। और जो चीज तुम लोगों को सीखने की जरूरत है, ना सिर्फ कैसे स्पिरिट वेपन्स को क्रिएट किया जाता है और यूज किया जाता है, लेकिन अब भी तुम लोगों के लिए काफी नॉलेज बकाया है। हुआ युहाओ केटू जिस तरीके से तुम दोनों कल्टीवेट कर रहे हो वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि केटू स्पिरिट वेपन एक्सप्लोजन कैमोफ्लेक्स सर्वाइवल टैक्टिक्स ऑब्जर्वेशन क्विक रिएक्शन स्टिल्सकेप के क्रिएशन पर फोकस कर रहा है, लेकिन अब भी इससे सपोर्ट और माइक्रो मैनेजमेंट की और भी ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है। जबकि हुआ युहाओ तुम पेनिट्रेशन डिस्ट्रक्शन हेडिंग पर फोकस कर रहे हो, मतलब कि तुम्हारा पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन पर ही फोकस है और तुम्हें अपनी डिस्ट्रक्शन एबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा, इसलिए तुम्हें सभी मेथड्स को सीखने की जरूरत है जिससे कि तुम अपने दुश्मन को हरा सको, क्योंकि युहाओ तुम हमारे प्राइमरी ऑफेंस हो, जबकि कहताओ हुआ युहाओ की स्ट्रांग शील्ड और टैक्टिशियन है। और मैंने जो लिमिट का जिक्र किया था वो एक ऐसी यूनिट है जिसमें तुम दोनों फ्यूज होगे, इसलिए हमें तुम दोनों का एक अच्छा और सही कॉम्बो बनाना होगा जिससे कि तुम दोनों एक दूसरे को मैच कर सको। और टीचर फैनयू की बातों को सुन के युहाओ थोड़ा सा हैरान होते हुए कैताओ की तरफ देखने लगता है, तो कैताओ कहता है, यह मेरा खुद का डिसीजन है और इस पूरे ऑपरेशन में मेरी पोजीशन तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी फैनयू युहाओ के पास आके कहते हैं, हुआ युहाओ इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वैसे तो कैताओ तुम्हारी शील्ड है, लेकिन तब भी तुम दोनों को एक ही एंटिटी जैसे एक्ट करना होगा, और तुम चिंता मत करो, एकेडमी इसे अनफेयरली ट्रीट नहीं करेगी, और अब बस तुम्हें इतना करने की जरूरत है कि तुम स्टडी काफी ज्यादा करो और अपने आप को जितना हो सके उतना ज्यादा इम्प्रूव करो। और कैताओ के पक्ष को प्यार से रखने के अलावा युहाओ कुछ भी नहीं कहता है। और फिर फैनयू कहते हैं, चलो अब तुम लोगों की लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए अरेना में चलते हैं बी, जिससे कि हम लिमिट टेस्ट को शुरू कर सके। और इसके लिए कैताओ और हुआ युहाओ पूरी तरीके से तैयार होते हैं, और फिर ये तीनों शेरक अकेडमी के अरेना में आ जाते हैं। और ऑडियंस में कुछ ऐसे दर्शक होते हैं जो कि बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्ट था उसने इन सभी की ही एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से पार कर दिया था। और जो बंदा इस अरेना के लिए जिम्मेदार था वो गोंग चांग लोंग होता है, जिससे काफी रोना और गुस्सा आ रहा होता है। और इनके अलावा यहाँ पर फैनयू लिंग और स्पिरिट वेपन हेडमास्टर होते हैं, और ये तीनों ही काफी हैरान होते हैं, क्योंकि ये दोनों लगातार 2-3-5-0-0-0 एयर स्पिरिट बीस्ट से लगातार लड़ रहे होते हैं, और तो और बड़ी ही आसानी के साथ जीत रहे होते हैं। इसलिए लिंग हैरान होते हुए कहती है, इन दोनों बच्चों ने पूरी तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशन को सरपास कर दिया है। और इस तरफ फैनयू पूछता है, एल्डर गोंग क्या आप ठीक हैं? और इस तरफ गोंग को रोना और गुस्सा एक साथ ही आ रहा होता है, और यह मन में कहता है, मेरे प्यारे स्पिरिट बीस्ट्स, इन दोनों ने तो बड़ी ही आसानी से 6000 ईयर बीस्ट को भी हरा दिया, जबकि शुरुआत में तो मुझे इन दोनों की सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और नुकसान कम से कम हो, इसलिए एल्डर गोंग ने इस प्रोसेस की रफ्तार काफी बढ़ा दी होती है, इसलिए इन्होंने 4-3000 ईयर स्पिरिट बीस्ट को भेजा होता है जो कि मेली अटैक्स में काफी माहिर है, और 8000 स्पिरिट बीस्टो को भी भेजा होता है जो कि अरेना के अंदर रेंजर अटैक करने में काफी माहिर होते हैं। और फिर गोंग कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों बच्चे संभाल पाएंगे। और इतने सारे बीस्ट को देख के फैनयू भी काफी हैरान होता है,
जबकि सोल स्पिरिट हेडमास्टर हैरान परेशान होते हुए कहता है, हे लिंगर, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? और क्या ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है क्या? तो लिंगर भी परेशान होते हुए कहती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनकी लिमिट्स को देखने की जरूरत है, और तुम लोग तैयार हो जाओ किसी भी समय उन्हें बचाने के लिए। और इस तरफ केटू भी इतने सारे बीस्ट को आता देख हैरान होता है और कहता है कि हे भगवान, क्या ये लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं? युहाओ, अब हमें क्या करना चाहिए? तो युहाओ कहता है, हमें लड़ना होगा, इसलिए सोल कैनन टैक्टिक को कंटिन्यू करो और इसका टारगेट रेंज सोल बीस्टो को बनाओ, जबकि मैं इन चार मेली वालों को संभालता हूँ। और कहताओ कहता है, केयरफुल रहना, वह आ रहे हैं। और यह चारों बीस्ट काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगते हैं। और सोल स्पिरिट हेड मास्टर अब भी परेशान होते हुए कहते हैं, क्या तुम श्योर कि यह ठीक रहेगा? और क्योंकि हुआ युहाओ अपनी नई एबिलिटी की पावर को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए यह आई ऑफ डेस्टिनी को ओपन करता है। इसलिए हुआ युहाओ की बॉडी एक मिस्टिकल लाइट को एमिट करने लगती है और यह मिस्टिकल लाइट पूरे अरेना में फैल रही होती है और यह डेस्टिनी जजमेंट का इस्तेमाल करता है और यह मिस्टिकल लाइट की जो बारिश हुई थी उस वजह से कहताओ की बॉडी भी गोल्डन लाइट को एमिट करने लगती है, तब तक जब तक की एक हल्की सी गोल्डन ह्यूमनॉइड शेप इसके पीछे फॉर्म नहीं हो गई थी। जबकि स्पिरिट बीस्ट स्पेल व्हाइट लाइट को इमिट कर रहे होते हैं और इन सभी के सिर के ऊपर एक स्केलेटन का इल्यूजन आ जाता है। और इस तरफ लिंगा हुआ युहाओ की थर्ड आई को देख के काफी चौंक जाती है और कहती है कि वो क्या है? क्या यह इसकी बॉडी स्पिरिट की सेकंड अवेकनिंग है? और वैसे तो आई ऑफ डेस्टिनी की पावर को यूज करने की वजह से हुआ युहाओ काफी ज्यादा थक गया था, लेकिन तब भी यह नहीं रुकता है और यह मन में कहता है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। और युहाओ अपनी स्पिरिट आइस को इस्तेमाल करते हुए न्यूली ऑफ 10,000 ईयर स्पिरिट रिंग को बाहर निकालता है, जो कि एक काफी सुंदर लाइट को एमिट कर रही होती है। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है, लो स्पिरिट बीस्टो, मेरी थर्ड स्पिरिट एबिलिटी का स्वाद छको। इतना कह के युहाओ अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग को काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगता है और यह भी एरिया को इफेक्ट करने वाली एबिलिटी होती है। और क्योंकि युहाओ सेंटर में था, इसलिए यह व्हाइट लाइट पूरे एरिना को कवर कर रही होती है और जो स्पिरिट बीस्ट इसके चपेट में आते हैं उनकी आंखें व्हाइट हो जाती है। और वैसे तो इनके अटैक्स कमजोर नहीं हुए थे, लेकिन इनका जो मोरल होता है वो काफी गिर जाता है। और इस तरफ ये सभी ही हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर वो स्पिरिट एबिलिटी क्या थी जिसने इतने बड़े एरिया को इफेक्ट किया? और वैसे तो ये सभी बीस्ट हुआ युहाओ की एबिलिटी की वजह से अफेक्टेड थे, इसलिए इन स्पिरिट बीस्ट का जो रेंजर अटैक होता है वो एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल में ये सभी ही अटैक कर देते हैं। और इतने डेंस अटैक के खिलाफ फैन यू इन दोनों को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस अटैक के सामने इनका बैरियर नहीं टिकता है तो ये तुरंत ही बीच में आके इन्हें बचा लेगा। लेकिन तभी एरिना के अंदर काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, क्योंकि 8 रेंज स्पिरिट बीस्ट का जो डेंस अटैक था, मतलब कि पूरी तरीके से मिस हो जाते हैं और इनमें से एक भी हिट इन दोनों को नहीं लगता है। और इस चीज को देख के सभी के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, और उनका लक तो वाकई में काफी बढ़िया है। और हम तो अच्छे से जानते ही हैं कि इस रिजल्ट का लक के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यह रिजल्ट हुआ युहाओ की एबिलिटी की वजह से आया था, क्योंकि हुआ युहाओ ने एरिया को इफेक्ट करने वाली दो एबिलिटीज को कास्ट किया था, जिनमें से एक का असर डेस्टिनी जजमेंट डूम था, जबकि दूसरा इफेक्ट मेंटल इंटरफेरेंस का था, जिससे उनके टारगेट करने की जो सेंट्रल नर्व थी वो एग्जॉस्ट हो गई थी, जिस वजह से यह हुआ युहाओ को अच्छे से टारगेट नहीं कर पाए और इनके सारे अटैक मिस हो गए। और ये दो टेरिफाइंग एबिलिटीज के इफेक्ट्स की वजह से अरेना के अंदर जो 12 बीस्ट थे, ऐसा लग रहा था कि मानो ये सभी ही ग्रीम रीपर की हथेली के नीचे आ गए हो, जिन्हें वो कभी भी मसल के मार सकता है। और तभी हुआ युहाओ कहता है, चलो सेंपाई अटैक करते हैं। और फिर हमें वोंगोंग को दिखाया जाता है, जो कि यह हुआ युहाओ के बारे में ही सोच रहा था, और यह कहता है कि वो बंदा स्टार डू फॉरेस्ट से पहले ही आ चुका है, लेकिन यहाँ तक कि वो अभी तक डोम में भी नहीं आया और ना ही मैं उसे देख पाया, और ना जाने वो दो दिनों से क्या कर रहा है। और फिर हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यह सभी ही स्पीचलेसली ही घूरे जा रहे होते हैं, क्योंकि इन सभी 12 स्पिरिट बीस्टों को खत्म कर दिया गया था और बैटल की इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ एक ही मिनट लगा, और इस एक मिनट में ही इन दोनों ने इन सभी को खत्म कर दिया। और इसी के साथ हुआ युहाओ और कहताओ ने टेस्ट के फोर्थ राउंड को भी पास कर लिया होता है। और इस तरफ गोंग का काफी तगड़ा वाला दिमाग खराब हो जाता है और यह रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अब मैं यह और नहीं करना चाहता हूँ, और आखिर इस चीज का करने का क्या मतलब है, और क्या मेरे सभी स्पिरिट बीस्ट के मर जाने के बाद तुम लोगों को संतुष्टि मिलेगी? और सोल स्पिरिट हेडमास्टर इन्हें शांत करवाते हुए कहते हैं, एल्डर गोंग, शांत हो जाए, हमारा स्पिरिट वेपन डिपार्टमेंट इस चीज के लिए आपको काफी अच्छा खासा खजाना देगी। और इस तरफ फैन यू भी हैरान परेशान होते हुए लिंगर से कहता है,
प्रिंसिपल, क्या हमें अब भी इसे कंटिन्यू करने की जरूरत है? जिस पर लिंगा कहती है, बस इसे यहीं पर खत्म करो। वैसे भी टेस्ट के रिजल्ट पूरी तरीके से सेटिस्फैक्ट्री है। इन दोनों बच्चों के इतने बढ़िया कोऑपरेशन और हुआ युहाओ की कैपेबिलिटीज को देखने के बाद मुझे अब और लिमिट सोल्जर प्रोजेक्ट पर विश्वास हो गया है। और फिर क्या था, लिमिट सोल्जर प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट मिल जाता है और फिर यह सभी ही पागलों की तरह ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और सभी लोग ही इन दोनों के पूरी तरीके से बदल जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मैं इसका कल अपलोड करूंगा अगला पार्ट को।